नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फायर ऑनलाइन क्लास पर। साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो आपके ज्वाइनिंग के समय डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनमें से दो डॉक्यूमेंट्स जो कि सभी विद्यार्थी कमेंट और मैसेज कर रहे हैं, तो उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। जो आपका शपथ पत्र है, एक बंद पत्र है, ठीक है, स्टाम्प लगेगा, वह किस प्रकार का बनेगा आपको लाइव प्रूफ मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है, और किस उसके अंदर क्या लिखवाना होगा पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, इस वजह से आप सभी सपोर्ट जरूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुका हूँ। जो आपके प्रमाण पत्र जो आपके स्टाम्प लगेंगे यहां पर देख सकते हैं तीसरे पॉइंट पर है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, यहां पर पुलिस द्वारा सर्टिफिकेट के बारे में आपको मैंने पहली वीडियो के अंदर बता दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो आपका 100 रुपये का स्टाम्प लगेगा वह किस प्रकार बनेगा, उसके अंदर क्या लिखवाना होगा, ठीक है, क्या क्या उसके अंदर प्रोसेस है, और इसके अंदर एक बंद पत्र और लिखा हुआ है यह भी आपको मैं दिखाने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर से। नोटरी आपको करवानी होगी, ठीक है, यह शपथ पत्र वह बंद पत्र 100 रुपये का लगेगा, रुपये के स्टाम्प पर प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा, ठीक है। जो आपका 100 रुपये का स्टाम्प लगेगा सबसे पहले उसके अंदर यह लिखा होगा कि आपको किसी से दहेज नहीं लेना, धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू, ठीक है, इसका कोई भी आप उपयोग नहीं करते हो, इसके उसके अंदर सफाई लिखवानी होगी जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो साथियों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 100 रुपये का स्टाम्प यहाँ पर स्क्रीन पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है मैं कुछ यहाँ पर हाइड कर देता हूँ जिससे कि यूट्यूब कम्युनिटी के खिलाफ यहाँ पर है, ठीक है, या कुछ मैं जैसे फोटो हो गई, नाम यहाँ पर मैं हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन मेन चीज़ यहाँ पर क्या लिखाएंगे अपन। यहाँ पर आपका यह वह प्रमाण पत्र जिसके अंदर आपको लिखवाना है कि मैं तंबाकू गुटखा इसका प्रयोग नहीं करता हूँ, क्या क्या लिखवाना है यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, और आपके जो हमारे यूट्यूब चैनल के जो सोशल मीडिया ग्रुप है व्हाट्सअप टेलीग्राम, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम, इन सभी पर यह अपडेट आपको मिल जाएगी, इनकी फोटो मिल जाएगी, ठीक है। इसके अंदर लिखाना है आपको, आपको सबसे पहले आपका ऊपर अपना नाम आ जाएगा, ठीक है, आपका कहां से रहते हो, उम्र क्या है, वह यहां पर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या लिखवाना है, यहां पर लिखवाना है मैं राजस्थान का मूल निवासी हूं, ठीक है, राजस्थान के अंदर निवास करता हूँ, अभी मैं अविवाहित हूँ, अगर विवाहित है तो विवाहित लिखवाएं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि भविष्य में अगर मैं शादी करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है दौरान, तो मैं दहेज नहीं लूँगा और नहीं लेने दूंगा, ठीक है। यह है कि भविष्य के अंदर मैं 2 से अधिक संतान उत्पन्न नहीं करूंगा, ठीक है, उत्पत्ति नहीं करूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थात कुल 2 से अधिक संतान वैवाहिक जीवन में उत्पन्न नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पर जो मोस्ट लिखवाने हैं 2 से ऊपर संतान नहीं होनी चाहिए और आपका दहेज नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज के अंदर गड़बड़ी पाई गई, फर्जी या असत्य पाया गया तो विभाग द्वारा मेरी नियुक्ति निरस्त करने का पूर्ण अधिकार यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको खुद ही लिखवाना होगा अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में गलती पाई गई तो विभाग मेरे को इस जो पद है इस यहाँ से उठा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मैं किसी भी नशीली पदार्थ है धूम्रपान, ठीक है, जो भी बीड़ी तंबाकू इसका उपयोग या प्रयोग नहीं करता हूँ, मैं अवैध होने से दहेज न लेने, दस्तावेज कटु रचित न होने पर तथा धूम्रपान का सेवन नहीं करता हूँ, और लास्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है मेरे घर पर शौचालय बना हुआ है तथा मैं और मेरा परिवार शौचालय का उपयोग करते हैं। नीचे आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे, नोटरी वगैरह हो जाएगी, आपके फोटो पर वहाँ पर स्टाम्प लगेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नोटरी का जो स्टाम्प है वह यहाँ पर लगा हुआ है, इस प्रकार आपका यह बनने वाला है। अब देख लेते हैं आपका बंद पत्र किस प्रकार रहेगा वह भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर देख सकते हैं जो आपका बंद पत्र है वह भी 100 रुपये का स्टाम्प पर लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका स्टाम्प लगेगा, ठीक है, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बाध्य सरकार कर्मचारी द्वारा निष्पादित, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ एक बंद पत्र नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर डिटेल्स भरवानी होगी या खुद से भर सकते हैं, इसके अंदर आपकी दिनांक आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, कौन से पद पे है, ठीक है, आपके माता पिताजी का नाम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर निवास आ जाएगा, कौन से स्थान पर आपका नियुक्ति है वह भी आ जाएगी, ठीक है, पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, इसको पढ़ सकते हैं और यहीं आपका जो बंद पत्र है आगे जमा कर लिया जाएगा। इसके अंदर लिखा हुआ है पूरी डिटेल्स, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जहाँ पर आप कचेरी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो वहाँ पर जाओगे तो बोलोगे कि हमें बंद पत्र दे दो, तो इस प्रकार का आपको मिलने वाला है, ठीक है। और जो आपको गुटखा तंबाकू और दहेज न लेना, ठीक है, आपके घर पर शौचालय है नहीं, वह आपको अलग से प्रिंट करवाना होगा या किसी के वहाँ पर
हाथ से लिखते भी हैं या वहाँ पर प्रिंट भी करते हैं, ठीक है, और उसको नोटेरी आपकी फ़ोटो उस पर चिपकेगी। इस प्रकार का आपका बंद पत्र होने वाला है। यह आपका जमा सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वह यहाँ वहाँ पर जॉइनिंग के समय जमा हो जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार का आपका होने वाला है। साथियों इसके अलावा कोई भी दस्तावेज में कुछ भी हेल्प चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना, उसके उसी से संबंधित ही वीडियो आप सभी के लिए मैं लेके आ जाऊंगा। साथियों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।